भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य जिन्हें सुलझाते सुलझाते वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 6, कृष्णा बटरबॉल। कृष्णा की बटरबॉल के नाम से मशहूर ये विशालकाय पत्थर दक्षिणी भारत में चेन्नई के एक कस्बे में महाबलीपुरम के किनारे स्थित है। रहस्यमय पत्थर का ये विशाल गोला एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। माना जाता है यह कृष्ण के प्रिय भोजन मक्खन का प्रतीक है जो स्वयं स्वर्ग से गिरा है। यह पत्थर आकार में 20 फीट ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा है, जिसका वजन लगभग 250 टन है। अपने विशाल आकार के बावजूद कृष्णा की यह बटर बॉल ग्रेविटी के नियमों के विरुद्ध है। ये भारी भरकम पत्थर पहाड़ी की 4 फीट की सतह पर अनेक शताब्दियों से एक जगह पर टिका हुआ है। देखने वालों को महसूस होता है कि यह पत्थर किसी भी क्षण गिरकर इस पहाड़ी को चकनाचूर कर देगा। जबकि पत्थर का अस्तित्व आज तक एक रहस्य बना हुआ है, इतनी ढलान पर यह कैसे टिका है। साइंटिस्ट्स इस पर कई लॉजिक देते हैं, लेकिन ठोस जवाब नहीं मिल सका है। और आज तक यह पत्थर रहस्यों का केंद्र है, इसलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए भी आते हैं। नंबर 5, जयगढ़ ट्रेजर। राजस्थान का जयगढ़ किला भी अपने छिपे खजाने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब अकबर के रक्षा मंत्री मानसिंह एक सफल मिशन के बाद अफगानिस्तान से लौट रहे थे, तो उन्होंने वॉर से लूटी हुई चीजों को किले में छिपा दिया था। भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा किले को अच्छे से खोजने का ऑर्डर 3 दिया गया था। इसके बाद कई विवादों के बावजूद भी किले की अच्छे से छानबीन की गई और खजाने को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन अभियान के बाद यहाँ तब भी कुछ न मिल सका। और इसलिए यहाँ खजाना है या नहीं, ये रहस्य आज भी बरकरार है। नंबर 4, बैलेंसिंग रॉक जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा पत्थर है जो अपनी बनावट को लेकर चर्चा में बना रहता है। इसे बैलेंसिंग रॉक कहा जाता है। कई क्विंटल वजनी ये पत्थर महज कुछ इंच के बेस से अपनी जगह पर खड़ा है। इसका बैलेंस ऐसा है कि बड़े से बड़े भूकंप के झटके भी इसे आज तक नहीं हिला पाए हैं। और ये आज भी लोगों के बीच रहस्य बना हुआ है कि इतने कम बेस पर ये पत्थर इतनी मजबूती से कैसे टिका हुआ है। इसी रहस्य को देखने के लिए यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। कई विशेषज्ञों ने भी इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी कुछ बता नहीं पाते हैं। नंबर 3, विलेज ऑफ ट्विंस। अब बात करते हैं केरल के उस गाँव की जहाँ का रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोदिन ही गांव ऐसा है जहां 200 से ज्यादा ट्विंस हैं। यहां हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे होते हैं, कई बार टिड़वे बच्चे भी हुए। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। इस गांव को लेकर एक बात अजीब है कि यहां की महिलाएं अगर किसी और गाँव में शादी करके जाती हैं तो भी उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। अब इस गाँव में यह कैसे और क्यों होता है, यह आज रहस्य है जिसे वैज्ञानिक समझने में असफल रहे हैं। नंबर 2, शटिहाली चर्च। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरूर डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गईं और मलबा बन गईं, लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक ये चर्च एक बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बन चुका है। नंबर 1, शंग्रीला वैली। भारत की एक ऐसी अदृश्य घाटी जहाँ जो कोई भी जाता है वह कभी वापस लौट कर नहीं है। जी हाँ, यह घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर कहीं पर मौजूद है। कहते हैं कि यहाँ समय थम जाता है और लोग जब तक चाहें जिंदा रह सकते हैं। इस रहस्यमयी घाटी की गिनती वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में होती है। बताया जाता है कि इस घाटी का संबंध ब्रह्मांड की किसी और दुनिया से है। इस घाटी को रहस्यमयी रोशनी का घर भी कहा जाता है। इस घाटी में न तो सूर्य का प्रकाश था और न ही चंद्रमा का, लेकिन तब फिर भी चारों ओर एक रहस्यमय प्रकाश फैला रहता है। चीनी फौज ने भी इस रहस्यमयी घाटी को खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु सफलता नहीं मिली। बहुत सी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में जिसने भी शांग्रीला घाटी के राज से पर्दा उठाने की कोशिश की है, उसका पता दोबारा नहीं लगा। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।